ये किसका फोटो है? तुम्हारे होने वाले जीजू का। तो ई है पवन। अगर आपका बात सच्चा है तो आपकी बिटिया की शादी कल ही इसी लड़के के साथ होगी। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। हम लक्ष्मी के काम में लक्ष्मी नहीं लेते। आई थिंक शादियों का मौसम चल रहा है। अच्छा, तो इसलिए लोग लंदन से आए हैं? Well, लोग इसीलिए तो लंदन से नहीं आए थे, बट अभी जो कुछ भी हो रहा है ना, वो थोड़ा अजीब है। हाँ श्रीमान जी, कहाँ पहुँचे आप लोग? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? लड़का भाग गया, क्या मतलब है? यहाँ सब आपका इंतजार कर रहा है। बारात नहीं आएगी? अरे क्या बक रहे हैं आप? कुछ नहीं, हमारी बात पवन के बाबूजी से करवाइए तो। अरे यहाँ मंडप सज चुका है, शादी की तैयारी सब हो चुकी है और आप माफी मांग रहे हैं? आपका लड़का भाग गया है तो हम क्या करें? लड़का भाग गया, अब बेचारी लड़की का क्या होगा? ओम सर मंगल मांगले शिवे सर्वार साधिके शरणेत्रम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। पवन बाबू आपको भगा के लाए हैं, देखते हैं कहाँ जाओगे। अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाइए। हमारी बिटिया का क्या होगा अब? क्या हुआ चाचा जी, क्या हो गया वहां पर? लड़का भाग गया। राधेश्याम जी, क्या बात है? सृष्टि कहाँ हुआ बेटा? अब वो सब कह रहे हैं कि लड़का किसी लड़की के साथ भाग गया है। कोई बारात नहीं आएगी, हमारी बेटी मंडप से बिल ब्याही उठ जाएगी। कैसे बात कर रहे हैं आप? लाइए, हम बात करते हैं, लाइए। ओ लाइए आप। हेलो, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या खबर दे रहे हैं आप? आपको पता है क्या हो सकता है? अरे भगवान के लिए हमारे साथ ऐसा खेला मत खेलिए। देखिए हमारी इज्जत। हेलो, अब आप लोगों का विवाह संपन्न हुआ। लड़की मंडप से बिना ब्याही उठ गई, अब क्या होगा इसके भविष्य का? कौन करेगा उसके साथ शादी? ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया, जिंदगी खराब हो गई लड़की की। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? अगर लड़का भाग गया तो इसमें पूनम की जिंदगी कैसे खराब हो गई? वो तो नहीं भागी ना। चलो भाई अपने अपने घर चलो, अब यहाँ कोई बारात नहीं आने वाली। अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, क्या हुआ भाभी जी? पूनम के बाबूजी दरवाजा नहीं खोल रहे, जल्दी चलिए। चलो चलो अंदर, चलो चलो। बाबूजी, चाचा जी, बाबूजी बाबूजी। राधेश्याम जी, देखिए सब समझ जाएगा, मेरी बात सुनिए राधेश्याम जी। एक मिनट, पीछे पीछे दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, पीछे पीछे रे बेटा, इधर आओ, इधर दरवाजा तोड़।
रागिनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस बस इसका कोई जरूरत नहीं है। अगर ये टेढ़ा चले ना तो बताइएगा हमें। अभी तो मुंह फोड़े हैं, थोड़ा भी टेढ़ा हुआ तो मुंडी पूछ देंगे, बता रहे हैं। अब करेंगे हम अपनी शादी की तैयारी। बिटिया हम अस्पताल जा रहे हैं राधेश्याम जी के पास, तुम घर चले जाना हा? और मम्मी को बता देना हम आते हैं। लेकिन पापा जान देने की कोशिश करना ये तो कोई सलूशन नहीं है। बिटिया कभी कभी इज्जत गंवाने से जान देना ज्यादा आसान लगता है। जो राधेश्याम जी के साथ हुआ वो भगवान न करे किसी और के साथ हो, वरना ये समाज जान देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं छोड़ता। लेकिन पापा आप ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ हम बस आ रहे हैं, पहुंच ही रहे हैं। आप चिंता मत करिएगा, उन्हें कुछ नहीं होगा। जी जी बेटा हम चलते हैं, मम्मी को बता देना। हाँ सैंडल दो जोड़ा। अब जितना हो गया समझ ही नहीं आ रहा है। दिव्या बेटा बन गया तुम्हारा खरीदारी का लिस्ट? हाँ काकी, अब जल्दी जल्दी में जितना बनना था बन गया। देखो ना पापा ने इतना जल्दी शादी रखवा दिया कि हमारे सारे फैशन का सत्यानाश हो गया। अरे कौन सी तुम्हारी शादी है, तुम्हारी शादी में ना 6 महीना का टाइम लेंगे तैयारी के लिए। अरे काकी हम कहाँ शादी कर रहे हैं, पहले तो हम हीरोइन बनेंगे फिर हिट होंगे फिर तब जाके शादी का नंबर आएगा कहीं। ये बात तो सच है। अच्छे काम करना, अब जब तुम्हारी नई भौजी आएगी ना उसके साथ बाकी का शॉपिंग कर ले, तब तक इतने से ही काम चला लो। ठीक है। ये का है दिव्या? ये दिव्या के सामान का लिस्ट है जो उसे आज लेना है। काकी का दिव्या दुकान खोलेगी इतना सामान का? विशु बेटा ऐसे नहीं कहते, ये सब सामान दिव्या इस्तेमाल करने वाली है। अच्छा चलो हम एक काम करते, हम तुम्हारे सामान का लिस्ट बनाते। हमारा सामान कौन सा? सब कुछ जो तुम्हें चाहिए हो। सच्ची? तब तो हमारा लिस्ट दिव्या से भी लंबा होगा। इसीलिए तो कहती हूँ चलो जल्दी चलो। लो बेटा चाय पी लो, अब होनी को कौन टाल सकता है? नहीं माँ पवन टाल सकता था। अरे अगर वो पहले ही कह देता कि उसे पूनम पसंद नहीं है तो पूनम का ऐसा तमाशा तो ना बनता ना। पूनम के बाबूजी हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा बेटा, राधेश्याम जी एकदम ठीक है, हमारा बात हुआ है उनसे। लेकिन पापा कोई ऐसा क्यों करता है, क्या मिलता है ऐसे किसी को परेशान करने से? बेटा हर आदमी की कोई ना कोई मजबूरी होती, क्या पता उनकी भी रही हो। एक मिनट। हाँ मनसुख लाल जी हमारा ऑर्डर तैयार है ना जी? हाँ शिशि खुद ही आएगी लेने। कितने बजे? 2 बजे ना? हाँ जी पहुंच जाएगी। धन्यवाद। बिटिया मनसुख लाल जी के यहाँ से जाकर अपने गहने ले लेना और अपनी खरीदारी में कोई भी कमी मत रखना। लेकिन पापा हम लेकिन लगाने से अभी काम नहीं चलेगा बेटा, 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। अच्छा अब जल्दी जाओ, लेट ना हो जाए कहीं। ठीक है मैं चलता हूँ।
अनुराग भैया ये देखो। अरे विशु ये क्या है? ये जो छोटी वाली लिस्ट है वो हमारी है और ये जो बड़ी वाली लिस्ट है वो दिव्या की है। ये दोनों सामान आज ही खरीदना है। ये सब सामान आज लेना है। मुझे नहीं लगता इतना सारा सामान मार्केट में मिलेगा। अच्छा हमरा एक दो सामान कम लेंगे तो भी चलेगा, पर दिव्या का तो पूरा लेना पड़ेगा, नहीं तो उसे बहुत दुख होगा। ठीक, जिसका जो सामान है सब आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, ठीक है? हम शॉपिंग करने जा रहे हैं तो अच्छे से स्मार्ट बन के जाएंगे, राइट? अरे विशु कितना समय लग रहा है तुम्हें? अनुराग के साथ मार्केट जाना है कि नहीं? बाबूजी हम तो तैयार हैं, ये अनुराग भैया को ही टाइम लग रहा है। अच्छा हमको टाइम लग रहा है। ये लग रहा है हमारा सुपरमैन भाई। विशु इधर आओ। देखो जो भी शॉपिंग करनी है हमें यहीं से करनी है, जो सामान है आप यहाँ से देखो। तुम्हें क्या क्या चाहिए बताओ। हमको तो बहुत कुछ चाहिए, सूट कुर्ता पजामा जींस टी शर्ट जूता। अच्छा ठीक है, जो कुछ भी चाहिए सब एक एक करके लेते हैं, ठीक है? आप इन्हें दिखाइए क्या क्या चाहिए। सीसा का है? एक्सक्यूज मी, आप इनको जो कुछ भी चाहिए आप दिखाइए, मैं आके पेमेंट करता हूँ। तुम देखो मैं आता हूँ। सीसा बताइए का है? अच्छा पहले वो वाला भी दिखा दो। हेलो जी। हेलो, परसों शादी है आप यहाँ? जी ये सवाल मैं आपसे भी कह सकती हूँ। उफ आई एम सो सॉरी। एनीवे वो तुम्हारी फ्रेंड पूनम के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा। जी सिस्टर यू माइंड हैविंग अ कॉफी? जी आइए। चलो देखते हैं इस माल में हमारे मतलब का काय। अरे दीदी यहाँ सब मिलता है और सीधा माल दिल्ली से उतरता है यहाँ पे। वो क्या कहते हैं उसे, हाँ लेटेस्ट फैशन का बात कर रहे हैं? अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो देखते हैं फिर। अच्छा चलिए चलिए। कॉफी। थैंक यू। यू वेलकम। और क्या क्या चाहिए सर आपको? अभी तो सिर्फ हमारा ही सामान हुआ है, ये देखो अभी तो दिव्या की पूरी लिस्ट बाकी है। बताइए और आपको क्या चाहिए? ये वाला देखिए। विशु बाबू, दीदी जी ये है विशु बाबू, अनुराग बाबू के यंगर ब्रदर। का बोले? मतलब छोटे भाई। का बात कर रहे? हाँ
चलो फिर अंदर चलते हैं। आइए आइए आइए, चलिए चलिए। विशु बाबू, हम नारद हैं। अरे ब्रु ब्रु, आप यहाँ कलयुग में भी? महाराज आप भी हदे करते हैं। अरे हम वो नारद नहीं हैं, हम यहीं के नारद हैं, कलयुग वाले, और ये है आपकी भाभी। पर हमरे भैया की तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो भाभी कहाँ से आ गई? नहीं नहीं नहीं, हम होने वाली भाभी हैं। अच्छा, तब तो आपको थोड़ी देर पहले आना चाहिए था, हमरे भैया भी यहाँ थे, उनसे मुलाकात हो जाती। अनुराग बाबू यहाँ है? यहाँ है नहीं, यहाँ थे, वो भी गए कहीं। ओह, अच्छा, भैया को छोड़िए, आप ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो बस थोड़ा सामान का खरीदारी कर रहे थे। थोड़ा? एक काम करते हैं, आज आपको जो भी खरीदारी करनी है ना, आप हमारी तरफ से करिए, जो लेना लीजिए। लेकिन हम आपकी तरफ से खरीदारी कहाँ करें? आप उकाए कि हम तुम्हारी होने वाली भाभी है ना, तो अब जो भी खरीदोगे ना, हम उसका आपको डबल दिलाएंगे, तुम्हारा भी फायदा हमारा भी फायदा, लीजिए। अच्छा, आपका फायदा है तो ठीक है, हम ले लेते हैं। भैया वो वाला दिखाओ। अरे वाह, ये आपको अच्छा लगा? ये तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, पैक कर दो। आप सिस्टी से तुम्हारे ब्याह का बात चला है। अरे अभी एलएलबी की पढ़ाई कर रही है और ये लास्ट ईयर है उसका। अरे अनुराग तो तुम्हारे साथ ही पढ़ता था ना? अरे बहुत ही होनहार बच्चा है वो, बहुत ही होनहार। हम यहीं प्रैक्टिस करेंगे, सेशन कोर्ट का पहला फीमेल लॉयर बनना चाहते हैं हम। हमें लगता है आपकी बात सही है, हमें आपकी बात सुननी चाहिए थी। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया, विशु मेरे साथ में आया है। अब आइए आपको मिलाता हूं, चलिए जी। कम इधर। इस दुकान का ना एक ही चीज अच्छा था और वो थे अनुराग बाबू। हाँ ये तो, अब उनसे मुलाकात तो हुआ नहीं, अब यहाँ से का खरीदे, चलो कहीं और चलते हैं। दीदी वहाँ चले का? अरे नहीं चलो। हा? हेलो। हाँ पापा, क्या आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर हो? जी पापा, हम अभी आते हैं। पापा बाहर हैं, हमें जाना होगा। हम नहीं चाहते कि वो हम दोनों को एक साथ देख लें, तो इट्स रियली ओके, डोंट वरी। वैसे भी हम लोग परसों मिल रहे हैं। जी। Take care of yourself. Okay, bye. Take care. अरे भैया,
थोड़ा ठंडा लाइए ना, इतने सारे सामान खरीद के हम थक गए हैं। साहब को ठंडा दो। अरे विशु, ले लिए सब सामान, चले सबका, हम तो चार छह एक्स्ट्रा ही ले लिए, चलो अब घर चले। अरे ऐसे कैसे चले, पहले पेमेंट तो कर दे। पेमेंट तो हो चुका है। पेमेंट हो चुका है मतलब? किसने किया पेमेंट? होने वाली भाभी ने। होने वाली भाभी? लेकिन सिस्टी तो ये सही कह रहे हैं सर, वो रागिनी मैडम जी पेमेंट देकर गई। एक्सक्यूज मी, सामान मेरा है तो पेमेंट वो क्यों देके गए? सर वो विकराल सिंह जी की बेटी है, हम उन्हें मना नहीं कर सकते। अगर आप उन्हें मना नहीं कर सकते थे तो मैं तो ये सामान लेने से मना कर सकता हूँ ना। अगर सामान देना है, ये मेरा कार्ड है, पेमेंट ले लीजिए, वरना रहने दीजिए।